लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। अल्लाह आपकी इस खुशी को देख कर मैं बहुत खुश हुआ हूँ। आप लोगों ने कि ने मुझे इस काबिल बनाया है कि कांग्रेस वालों ने मुझे टिकट नहीं देके कांग्रेस का सफाया करने के लिए इंशाअल्लाह मैं एक बात बोलता हूँ, आप आराम से सुनिए। एक ही पार्टी एक ही अल्लाह एक ही रसूल एक ही पार्टी जिसका नाम MIM, उस पार्टी के सदर जनाब असदुद्दीन साहब बैरिस्टर, मैं इम्तियाज जलील साहब डेस्क पे बैठे हाले, हमारे सदर जितने भी हैं आए वाले मेहमान इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे इस जगह पे लाए वाले हैं जो जाबिर साहब ने, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सैयद मोइन साहब जिसने मेरे लिए बहुत से भी कोशिश की है, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। MIM के जितने भी जिम्मेदार कार्यकर्ता है जो अपने आप पे MIM का जो 10 साल से MIM के हाथ से काम करते हैं, वो सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे आपके जज्बे को देखते हुए मुझे इस जगह पे कामयाबी की तरफ, आपकी मेहनत होंगी तो इंशाल्लाह ताला, इम्तियाज जलील साहब ने जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर एक मुस्लिम दलित बोल के खासदार चुन के आए वाले हैं, उसी तरह से नांदेड़ उत्तर दक्षिण में दो भी आमदार आपके टाउन से बिल्कुल जीत के आएंगे और कांग्रेस को चूरा कर दो। बताना चाहता हूँ, जहाँ से मैं आया हूँ इम्तियाज जलील साहब चुन के बार बार, उस जगह से चौहान के पिताजी आते थे, वहाँ से जो हर बार हर बड़ी पोस्ट पे रहने वाले हैं, इस तरह से मैं जहाँ से चुन के आता हूँ चौथी बार, वो जगह से कोई रिपीट नहीं आया हुआ। इंशाअल्लाह ताला आपके दक्षिण मतदार संघ से पहली बार MIM के दोनों भी उत्तर और दक्षिण के कैंडिडेट कामयाबी हासिल करेंगे, इतना आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी जगह लेता हूं। जो भी है, मुझे आप लोगों ने इतना काबिल समझा है, जो मुझे टिकट देके आपने मेरी तरफ आपने बहुत बड़ा जवाबदारी का काम दिया है, ये जवाबदारी को मैं विधानसभा में दारुलसलाम में जाकर सीख के उसको पूरी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर एक इनाम असदुद्दीन साहब का रहूंगा इंशाअल्लाह।